보고 량 얼마나 많지? 자진도구량 주변에 사람이 자면 미 앞에 군대 군대 됐대. 그럼 걔가 레드 아지 앞에. यहाँ पे भीड़ बढ़ चुकी है, जो आते टाइम था उससे भी कई ज्यादा लोग इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। दुकानें लगी हैं और कल से थोड़ा ज़्यादा दुकानें लग चुकी हैं। दोस्तों सुप्रभात, बड़ों को मेरे पिलाक चुटको ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी मस्त हूँ। मैं सीता हटवाल चंबा शहर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 10:30 बजे से, 10:30 हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम पार्लर में, जैसे कि हर रोज़ जाते हैं वहाँ पर सीखने। और नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है। मौसम की बात की जाए तो अच्छी सी धूप खिल चुकी है, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही है। तो अभी जा रहे हैं मैं और चाची, चाची आ चुकी है वहाँ से, तो चलते हैं फटाफट से। और यहाँ पे चौराहे में यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको भी दिखाऊंगी। गब्बर सिंह चौक है यहाँ पे, यहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है। जा रहे हैं हम, हमारे गांव की गाड़ी आ रही है, उसमें मम्मी ने दही वगैरह दे रखा है और मेरा स्टैंड भी, जिससे मैं मेले में जाऊं आज अगर तो वहां पे वीडियो वगैरह बना सकूं स्टैंड से। गाइस यहां पे हमारे जो वीडियो देखते हैं वो भैया मिले हैं। तो गाइस सबसे पहले गए थे हम मार्केट में, घर से आया था दही वगैरह वगैरह स्टैंड वगैरह, तो इसको सबसे पहले रूम में रख देते हैं और उसके बाद जाएंगे फिर पार्लर। गाइस मैं आ चुकी हूँ पार्लर में और बाहर कुछ ढोल वगैरह सुनाई दे रहे हैं। गाइस हम उठ चुके हैं सो के और हमारी तैयारी हो गई है जाने की, आज भी मेले में हम जा रहे हैं सब के सभी और चाची लोग भी आगे पीछे से। गाइस जो चौराहे में सुबह सुबह यहाँ पे टेंट वगैरह लगा था, जो लोग आए थे ढोल बजाने के, तो उनका मकसद था कि जो ये कॉलेज वाली रोड है ये बननी चाहिए, तो देखते हैं अब ये रोड बनती है कि नहीं बनती है। तो हम जाते हैं फटाफट से मेले में और वहाँ पर मिलते हैं आपको। पहुँच चुके हैं यहाँ पे मेले में और यहाँ पे सबसे पहले जलेबी पकौड़ियाँ वगैरह बन रही हैं यहाँ पे। देखिए गाइस सामने पे और मेला लगा है इसके ऊपर। गाइस हम पहुँच चुके हैं आज भी मेले में और देखते हैं आज यहाँ पे, आज अभी भीड़ कम लगी हुई है। चप्पल
आज बहुत कम लोग दिखे, गाइस जो भीड़ कल थी वो आज नहीं है, क्या पता थोड़ी देर में हो, देखते हैं अभी। और कल से थोड़ा ज़्यादा दुकानें लग चुकी हैं यहाँ पे, आज तो वहाँ ऊपर भी लग गया है साधु, उधर एक उधर खाने पीने का है कुछ। नीचे बिल्कुल भी नहीं लगा था कल और आज देखिए कितना भयंकर लग चुका है। क्या हुआ बहन? चाची लोग भी आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम यहाँ पे घूमते घूमते, देखते हैं हम क्या क्या लेते हैं आज यहाँ पे। अरे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भीड़ भी बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं, ये देखिए आज कल से भी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। चाची लोग भी आ रहे हैं इधर की ओर। तो गाइस देखिए ड्रैगन में कितने सारे बच्चे बैठे हैं, क्या शोर कर रहे हैं उधर। चाची लोग यहाँ पे फोटो शूट करा रहे हैं और इधर से आपको यहाँ सामने का व्यू दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा आ रहा है नीचे का और सामने का। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। भीड़ बढ़ चुकी है, जो आते टाइम था उससे भी कई ज्यादा लोग इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। दुकानें लगी हैं और कल से थोड़ा ज्यादा दुकानें लग चुकी हैं यहाँ पे और हम चाची लोगों से पता नहीं कहाँ चले गए हैं, जहाँ पे चाची लोग थे हम भूल गए कहाँ पे थे। पहले उनको ढूंढते हैं, यहाँ से तो बंद है यार। चाची लोग निकल रहे हैं घर की ओर क्योंकि शाम भी रात भी होने वाली है, तो चलते हैं हम भी और चले पकौड़े वगैरह खाते हैं लेते हैं। तो रहे चाची लोग वहाँ पे
जा रहे हैं हम घर। तो गैस हम के 6 बज चुके हैं, 6:30 होने वाले हैं। तो हम आज जल्दी जा रहे हैं घर और लेके जा रहे हैं सिद्धू और सुरमे के लिए। सिद्धू और सुरमे, सुरमे हेलो गाइस, हेलो गाइस, कर दो हाथ से कर, हेलो गाइस, तू कर दो, हेलो गाइस। सिद्धू को शर्म आ रही है ना। 7 बजने वाले हैं और हम आ गए हैं घर में। अभी चाची लोग आ रहे हैं और लेके आए हैं केक के 2 पैकेट। तो कोई यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सीता हटवाल मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।